हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई बंगाली वेब सीरीज रेखा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एक बर्फीले पहाड़ से, जहाँ पर एक प्लेन क्रैश करता है। प्लेन में के बहुत से लोग मर जाते हैं और सिर्फ 7-8 लोग ही बचे थे जो रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद कहानी काफी साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव सुंदरपुर को, जहां पर एक होटल है जिसका नाम है रविंद्रनाथ यहां कभी नहीं आए। वहां का खाना बहुत फेमस है, काफी दूर दूर से वहां पर लोग खाना खाने के लिए आते हैं। एक दिन एक जर्नलिस्ट भी उस होटल में जाता है। उसे पता चलता है कि ये होटल एक मुस्कान नाम की लेडी का है, वही इस होटल के शेफ भी है। उसी के हाथ का खाना सबको बहुत ज्यादा पसंद है। वो वहां पर खाना ट्राई करता है, जिसके बाद होटल के सामने जो टपरी थी वहां पर जाकर बैठ जाता है, जहां पर उसे अत्तर नाम का एक आदमी मिलता है। अत्तर उसे उसके बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि उसका नाम निरुपम है और वो एक जर्नलिस्ट है। उसे इस होटल के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है और उसी के लिए वो यहाँ पर आया है। अत्तर उसे बताता है कि जितना अजीब इस होटल का नाम है, उतनी ही अजीब इस होटल की ओनर भी है, मुस्कान। कई लोगों को लगता है कि वो डायन है। निरुपम अत्तर से कहता है कि उसे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में वो उसकी मदद करे। एक्चुअली अत्तर पुलिस का खबरी भी है। अत्तर बताता है कि इस मुस्कान के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे कि MLA, पुलिस कमिश्नर, अक्सर उनका इस होटल में आना जाना रहता है। मैडम का उनके साथ काफी खास कनेक्शन है। निरुपम अत्तर से कहता है कि उसके बारे में वो पुलिस को कुछ भी ना बताए, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो उसके काम में दखलंदाजी करेंगे। अत्तर भी इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद हम मुस्कान जुबेरी को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। MLA साहब उसे मिलने आए थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मुस्कान ने MLA की मदद से ही यहाँ पर होटल स्टार्ट किया था। MLA मुस्कान से फ्लर्ट करने लगता है, तो मुस्कान उससे कुछ टाइम मांगती है। वो उसे कहती है कि उसका जो कुछ भी है उन्हीं का ही तो है, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखे। MLA भी ये सुनकर खुश होकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद मुस्कान गाना गाते हुए खाना बनाने लगती है। तो वही निरुपम अत्तर के साथ बातें कर रहा था। अत्तर बताता है कि मुस्कान अपने खाने में कुछ ऐसा डाल देती है जिसकी वजह से लोग उसके खाने की तरफ एडिक्ट हो जाते हैं। वो बताता है कि मुस्कान बहुत बड़े घर में रहती है और उस घर में सिर्फ उसकी एक काम वाली शेफाली और उसके घर का चौकीदार, जो बोल नहीं सकता, ये तीनों ही उस घर में रहते हैं। निरुपम अत्तर से कहता है कि वो मुस्कान की सारी डिटेल्स उसे दे, जिसके बदले में वो उसे रोज 500 रुपए देगा। अत्तर भी इस बात के लिए मान जाता है। निरुपम एक लॉज में रुका था, जहाँ का एड्रेस वो अत्तर को दे देता है। रात को वो फिर उसी होटल में खाना खाने जाता है, तब वो पहली बार मुस्कान को भी देख लेता है। रात को अत्तर निरुपम से मिलने आता है और उसे एक आदमी के पास ले जाने लगता है। वो बताता है कि वो आदमी मुस्कान के बारे में सब कुछ जानता है और निरुपम को मुस्कान की सारी डिटेल्स उसी आदमी के पास मिल जाएगी। वो दोनों एक शॉर्टकट लेते हैं जो कब्रिस्तान से होकर जा रहा था। अत्तर निरुपम को बताता है कि इस कब्रिस्तान में जो कब्र खोदता है भोला, वो एडवांस में ही कब्र खोद देता है। पता नहीं कैसे उसे पहले से पता चल जाता है कि कोई आज मरने वाला है। चलते चलते निरुपम भोला ने जो कब्र खोदी थी उसमें गिर जाता है। अत्तर उसे बाहर निकालता है। निरुपम को लगता है कि उसके अंदर कुछ हड्डियां थी, जिसके बाद अत्तर उसे रमाकांत कामड़ के घर लेकर जाता है। रमाकांत पहले एक टीचर थे। वो बताते हैं कि जब पाकिस्तानी मिलिट्री में ढाका पर हमला किया था, उस वक्त राशिद जुबेरी और वो दोनों साथ ही थे। उन्हें पता चल गया पाकिस्तान मिलिट्री सबको मार रही है, तो वो राशिद को लेकर वहां से भाग जाते हैं। राशिद तो वहां से भाग निकला, लेकिन रमाकांत को पकड़ा गया, जिसके बाद रमाकांत को जबरदस्ती धर्म चेंज करने के लिए कहा गया, लेकिन राशिद भी बॉर्डर पार नहीं कर पाया। इसके बाद राशिद जंग लड़ने के लिए चला गया। कुछ टाइम बाद खबर आई कि राशिद की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, उसे कैंसर हुआ था। उसे ट्रीटमेंट के लिए कोलकाता लाया गया, जहां पर उसकी मुलाकात मुस्कान जुबेरी से हुई। एक्चुअली मुस्कान वहां पर डॉक्टर थी और वो राशिद का ट्रीटमेंट कर रही थी। मुस्कान बहुत अच्छा खाना बनाती थी और राशिद को वो बहुत पसंद आई, जिसके बाद उसने उसे शादी का प्रपोजल भेजा
और मुस्कान ने भी एक्सेप्ट कर लिया। थोड़े दिनों बाद उनकी शादी हो गई और कुछ टाइम में ही राशिद की मौत हो गई। राशिद की मौत के बाद मुस्कान जुबेरी यहाँ पर आ गई, क्योंकि यहाँ पर राशिद की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर आकर उसने MLA की मदद से उसकी प्रॉपर्टी में रविंद्रनाथ यहाँ कभी नहीं आए ये होटल स्टार्ट किया। रमाकांत को इससे ज़्यादा मुस्कान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद निरुपम और अतर वापस घर जाने लगते हैं। जाते वक्त वो मुस्कान के घर के बाहर आते हैं, तभी वहाँ पर निरुपम को किसी के आने की आवाज़ आती है, इसलिए वो दोनों छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कब्र खोदने वाला भोला आया है। मुस्कान उसे कहती है कि जल्द से जल्द कब्र खोद दे, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस कब्र में कुछ गाड़ देते हैं। अत्तर बताता है कि उसे पूरा शक है कि मुस्कान डायन है और वो खून पीती है। एक दिन जब अत्तर उसके घर पर नजर रख रहा था, तब मुस्कान बालकनी में खड़े रहकर खून पी रही थी। अत्तर ये देखकर बहुत डर गया था। निरुपम ये बातें सुनता है और फिर से अपने होटल चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से मुस्कान के घर पर आता है और छुप कर उसके घर के अंदर घुस जाता है। तब वो देखता है कि मुस्कान के घर के साइड में जो लेक है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। निरुपम अंदर तो चला गया था, लेकिन उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अत्तर को कॉल करता है और उसे रास्ता बताने के लिए कहता है। अत्तर उसे कहता है कि उस घर में सामान लेकर एक गाड़ी आती है, जैसे ही वो गाड़ी आएगी वो बाहर निकल कर आए। और निरुपम ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे वो बाहर आ रहा था, मुस्कान का चौकीदार यादव उसे देख लेता है, जो उस पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन निरुपम किसी तरह अत्तर की मदद से वहां से भाग निकलता है। मुस्कान ये देख लेती है कि कोई उसके घर पर नजर रख रहा है। ये देखकर वो कमिश्नर को कॉल करती है, जिसके बाद अत्तर को पकड़ लिया जाता है और उसे निरुपम के बारे में पूछताछ की जाती है। अत्तर बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट है, जिसके बाद पुलिस वाले निरुपम को भी पकड़ लेते हैं और उससे बहुत बदतमीजी से बात करने लगते हैं। फिर हमें ये रिवील होता है कि निरुपम एक्चुअली जर्नलिस्ट है ही नहीं, बल्कि वो एक CBI ऑफिसर है और वो एक केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आया है। एक्चुअली बंगाल के जो CM है, उनका सगा भतीजा गायब हो गया था और उसका लास्ट लोकेशन रविंद्रनाथ होटल था। इसी की वजह से निरुपम वहाँ पर गया था ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसने जब रिकॉर्ड चेक किए, तब उसे पता चला कि उस लड़की की तरह 3-4 और लड़के गायब हो गए थे। उनका भी लास्ट लोकेशन रविंद्रनाथ होटल ही था। उन सभी की उम्र 25 से 30 साल तक थी। सारे लड़के सिंगल थे और वो एक लड़की चारुलता से चैटिंग करते थे। चारुलता का जब IP एड्रेस चेक किया, तो वो रविंद्रनाथ होटल के पास ही आ रहा था। फिर उसने रविंद्रनाथ होटल की ओनर मुस्कान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। तब पता चला कि मुस्कान पहले अमेरिका में डॉक्टर थी, जिसके बाद वो कोलकाता के ओरिएंट हॉस्पिटल में आ गई। वहां पर उसकी राशिद के साथ मुलाकात हुई और उसने शादी कर ली। मुस्कान ने फिर जॉब छोड़ दिया, लेकिन जॉब छोड़ने से पहले ये न्यूज आई थी कि उनके हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता है, जिसमें मुस्कान का नाम भी इन्वॉल्व था। इसलिए निरुपम को मुस्कान पर ही पूरा डाउट था कि उन लड़कों को मारकर वो शायद ऑर्गन ट्रैफिकिंग का बिजनेस कर रही है। निरुपम अत्तर से कहता है कि अब तक जो काम वो करता आया है वही करे और उसे सारे डिटेल्स निकाल कर दे। अत्तर जिसके बाद भोला पर नजर रखता है, वो भोला के घर की तलाशी लेता है, तो वहां पर उसे बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं। अत्तर जब भोला को इसके बारे में पूछने जाता है, तो भोला उसके सर पर कुछ मार देता है, जिससे अत्तर बेहोश हो जाता है और भोला उसे कब्र में जिंदा ही दफना देता है। तब निरुपम अपने सर से मिलने को गया था, जो अभी रिटायर हो चुके थे। निरुपम उन्हें केस के बारे में सब कुछ बता देता है और उन्हें हेल्प करने के लिए कहता है। वो सर जब भोला की एक्स्ट्रा कब्र वाली बात सुनते हैं, वो निरुपम को बताते हैं कि वो चेक करें कि दोनों कब्र के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। जब निरुपम वापस आता है, तो चेक करता है जो भोला कब्र खोदता था, वो किसी पुराने कब्र के पास ही खोदता था। यहाँ पर हमें भोला का राज रिवील होता है। एक्चुअली भोला एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार करता था और उन्हें बहुत से पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो हड्डियों की स्मगलिंग करने लगता है। उसे पता नहीं होता था कि गांव में कौन मरने वाला है। वो एक्स्ट्रा कब्र इसलिए खोलता था ताकि वो नीचे से सुरंग बनाकर दूसरे कब्र में से हड्डियां निकाल सके और उन्हें बेच सके। निरुपम भोला को पकड़ने के लिए कब्रिस्तान आता है,
तब पता चलता है कि वो कल से भाग गया है। कल से निरुपम अत्तर को भी कॉल लगा रहा था, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। पूछने पर पता चलता है कि अत्तर कब्रिस्तान के पास आया था। तभी निरुपम को याद आता है कि भोला ने एक नई कब्र खोदी थी। वो देखता है गांव में तो किसी की मौत नहीं हुई, फिर भी वो कब्र बंद कैसे है। वो उस कब्र को खोलता है तो वहां पर अत्तर था। अत्तर की सांसें चल रही थी तो निरुपम उसे हॉस्पिटल भेज देता है। तो वही मुस्कान को पता चल गया था कि निरुपम एक CBI ऑफिसर है। वो कमिश्नर से बात करती है तो कमिश्नर भी मुस्कान पर फुल लट्टू था। जिसके बाद मुस्कान निरुपम को कॉल करती है और अपने घर पर बुलाती है। वो कहती है कि बाहर से पूछताछ करके क्या फायदा, वो सीधा आके मुस्कान से बात कर सकता है, उसके सारे सवालों के जवाब वो देगी। निरुपम भी इस बात के लिए एग्री करता है और वो मुस्कान के घर चला जाता है। और निरुपम के सर मुस्कान अमेरिका में जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ के डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो डॉक्टर को बताते हैं कि मुस्कान ने 5 लड़कों का मर्डर किया है, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ा है। तो वो मुस्कान के बारे में जो जो जानते हैं वो सब कुछ बता दे। डॉक्टर भी डर जाते हैं और मुस्कान के बारे में बताने लगते हैं। यहाँ पर कई ऐसे राज खुलते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर बताते हैं कि मुस्कान जब अमेरिका में काम कर रही थी तो उसके फ्रेंड्स ने एक ट्रिप प्लान की थी, लेकिन जब वो जा रहे थे उनका प्लेन एक बर्फीली पहाड़ पर क्रैश हो गया। ये वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। प्लेन में के बहुत से लोग मर गए थे और सिर्फ 8-10 लोग ही जिंदा थे। जिसके बाद वो रेस्क्यू टीम का आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो जल्दी नहीं आती। प्लेन में जो भी खाने पीने का सामान था वो भी खत्म होने लगा था। अब उन्हें लगता है कि वो लोग भूख और प्यास से ही मर जाएंगे, लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है कि उनके पास अभी भी कुछ खाने के लिए है। वो बताता है कि जो लोग मर चुके हैं उनका मीट वो लोग खा सकते हैं। कई लोग इस बात के लिए एग्री नहीं करते, लेकिन उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मुस्कान से कहते हैं कि वो बॉडी को चेक करे और बता दे कि कौन सा पार्ट वो लोग खा सकते हैं। जिसके बाद मुस्कान भी मान जाती है। तब वो लोग उन मरी हुई बॉडीज में से पार्ट निकालकर खाने लगते हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और अब उनके पास खाने के लिए बॉडी भी नहीं बची थी। अब वो लोग एक दूसरे से डर रहे थे कि कोई किसी को मार ना दे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन ऐसा होता भी है कि एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता है ताकि वो उसका फ्लेश खा सके। ठंड की वजह से और लोग मर रहे थे, अब सिर्फ 5 या 6 लोग ही बचे थे। एक दिन हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है और इन सब की जान बच जाती है। मुस्कान जब वहां से बचकर वापस आई तो उसे नॉर्मल लाइफ शुरू करने में थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उसने किसी तरह मैनेज कर लिया। कुछ टाइम बाद उसने नोटिस किया कि ह्यूमन फ्लैश खाने की वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ रही थी। उसकी उम्र अभी तक सिर्फ 8 साल से ही बड़ी है, यानी कि मुस्कान की उम्र 80 से भी ज्यादा है, लेकिन वो दिखती 25 से 30 साल की है। ये बात सुन के निरुपम के सर उसे कॉल करने लगते हैं कि वो मुस्कान के पास ना जाए, लेकिन निरुपम का कॉल नहीं लग रहा था। निरुपम और मुस्कान की बातचीत चल रही थी। निरुपम मुस्कान को गायब हुए लड़कों के बारे में पूछने लगता है। पहले तो मुस्कान कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन बाद में बताने लगती है कि एक लड़का था जो अक्सर उसके होटल में आया करता था। उसे मुस्कान बहुत पसंद थी, मुस्कान भी उसे मना नहीं कर पाई। एक दिन जब वो दोनों फिजिकल हो रहे थे, मुस्कान की नजर उसके एक जख्म पर गई। उसमें से थोड़ा सा खून आ रहा था, जिसे देखकर मुस्कान का दिल मचलने लगा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई और उसने उस लड़के को मार ही दिया। जिसके बाद मुस्कान ने उस लड़के का भी वही पार्ट खाया जो खाने लायक था और बाकी की बॉडी को मगरमच्छ के पास छोड़ दिया। मुस्कान ने ऐसा 3-4 बार किया, इसलिए 3-4 लड़के उसके होटल से ही गायब हो गए थे। ये सब कुछ बताते वक्त निरुपम को वो एक एल्बम देती है, जिसे निरुपम देखने लगता है। कुछ ही देर बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे वो होश में नहीं था। मुस्कान बताती है कि उसने बाहर जो कब्र खोदी थी वो किसी की लाश गाड़ने के लिए नहीं खोदी थी, वो रेड वाइन बनाना चाहती थी इसलिए उसने ये सब कुछ किया था। निरुपम को उसके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिलेंगे। निरुपम अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था, जिसके बाद मुस्कान वहां से चली जाती है। तब तक निरुपम के सर पुलिस फोर्स को मुस्कान के घर के बाहर भेज देते हैं। पुलिस अंदर आने ही वाली थी कि मुस्कान शेफाली से कहती है
उसे पता है कि भोला को उसने घर में छुपाया है, इसलिए वो भोला को कहती है कि वो उसका एक काम करे, फिर वो पुलिस से भोला को बचाएगी। जिसके बाद मुस्कान के घर में आग लग जाती है और एक लड़की पूरी तरह जली हुई वहां से भागकर बाहर आती है। पुलिस उसे देखते ही हॉस्पिटल भेज देते हैं। सबको लगता है कि ये मुस्कान की नौकरानी शेफाली थी, लेकिन शेफाली तो अंदर थी, जिसे बाद में यादव बाहर लेकर आता है। तब पुलिस को पता चलता है कि जो लड़की भागी थी वो कोई और नहीं बल्कि मुस्कान थी। मुस्कान ने अपना मेकअप कुछ इस तरह से किया था कि सबको लगे कि वो जल चुकी है। जिसके बाद वो पुलिस की कार लेकर भाग जाती है और अपना ड्रेस चेंज कर लेती है। वो कॉल करके किसी को थैंक्स कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो एमएलए के पास गई थी। वहां पर जाकर वो एमएलए का भी खून कर देती है, क्योंकि उसने काफी सारे लोगों की जमीन हड़प ली थी। लेकिन वो एमएलए को खाती नहीं, वो कहती है कि एमएलए जैसे गंदे इंसान को वो नहीं खाती। जिसके बाद वो राशिद की सारी प्रॉपर्टी रमाकांत के नाम कर देती है। वो उन्हें बताती है कि राशिद हमेशा रमाकांत को थैंक्स कहना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से राशिद की जान बची थी। इसलिए वो सारी प्रॉपर्टी रमाकांत को दे देती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हो सके तो रविंद्रनाथ होटल को लाइब्रेरी में चेंज किया जाए। तो वही हम देखते हैं, निरुपम भी ठीक था, बस वो बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तब वो समझ जाता है कि जो एल्बम वो देख रहा था उसके पन्नों पर ही कुछ था जिसकी वजह से निरुपम बेहोश हो गया था। उसके सर वहां पर आते हैं और उसे सब कुछ बताने लगते हैं। निरुपम नाराज हो जाता है कि इस केस को वो सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन उसके सर कहते हैं कि उसने केस को सॉल्व कर दिया है, बस मुजरिम फरार है। तब उसे पता चलता है कि एमएलए का भी मर्डर हो चुका है और उसे मारने वाली मुस्कान ही थी, क्योंकि मुस्कान एमएलए के ऊपर वाले फ्लैट में ही रह रही थी। जिसके बाद मुस्कान वहां से भी भाग गई। एक्चुअली मुस्कान इसलिए भाग रही थी क्योंकि उससे कोई ना पूछे कि वो कौन सा पार्ट खाती है, क्योंकि अगर इंसानों को इसके बारे में पता चल गया तो वो एक दूसरे को मार के खाने लगेंगे। आखिरकार जवान कौन नहीं रहना चाहता। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी रेखा सीरीज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।